ओबीसी समाज से आते हैं पीएम मोदी, ये बात हर कोई जानता है। भाजपाइयों को तो गर्व है, लेकिन राहुल ने बीजेपी के ओबीसी चेहरे को मात देने के लिए बना लिया प्लान, बहुत जल्द करेंगे ऐलान। बीजेपी के पास देश में चेहरे के तौर पर ओबीसी समाज से आने वाला अगुवा, कांग्रेस ने मोदी को टक्कर देने के लिए ढूंढ लिया दलित चेहरा। बीजेपी इस बात को शान के साथ बताती है, उसके पास पिछड़े समाज से आने वाला एक बड़ा नेता है, वही बीजेपी का चेहरा है। ये दावा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी राजनीति को धार देने के लिए अब बार बार कहने लगी। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो लगेगा ऐसा कहने के लिए बीजेपी इसलिए मजबूर हुई क्योंकि कांग्रेस से लेकर पूरा विपक्ष अब जातीय जनगणना की बात कर रहा, खासकर पिछड़े समाज को अधिकार दिलाने की राजनीति में जुट चुका है। राहुल अक्सर ये कहते नजर आते हैं, जिनकी जितनी संख्या उन्हें उतनी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तो इसे अमल में लाने लगे, लेकिन असल बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्लान यही है कि ओबीसी समाज के कानों तक यही बात पहुंचे कि मोदी तो पिछड़े समाज से आते हैं। अब इसी को देखते हुए कांग्रेस ने भी एक नई चाल चलने का प्लान बनाया। कांग्रेस की ओर से एक ऐसे नेता को चेहरा बनाने का प्लान कर रहे हैं जो दलित समाज से आते हैं। कांग्रेस उस नेता के बारे में बताते हैं, इंडिया गठबंधन में पीएम चेहरे को लेकर क्या राय है वो जान लीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी दलों ने गठबंधन तो बना लिया, लेकिन चेहरा अभी तक फाइनल नहीं किया गया। इंडिया गठबंधन का नेता कौन होगा, इस सवाल पर खुद गठबंधन के करीब करीब सभी नेता चुप्पी साधे हुए हैं। एक तरफ जेडीयू आरजेडी के नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इसी गठबंधन के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ शब्दों में कहा कि वो इसके खिलाफ हैं। कहने वाले तो कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन पर बिखरने का संकट बनवा रहा है क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर कंफ्यूजन है, पीएम उम्मीदवार को लेकर कंफ्यूजन है, इस गठबंधन के कई नेता एक दूसरे के खिलाफ हैं, कई चीजों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही। ऐसे में ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जिस ख्वाब के साथ बीजेपी को हराने निकला था, कहीं उस पर पानी न फिर जाए। इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं, पटना, बेंगलुरु और मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इसमें शामिल सभी दलों ने 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ने और सीटों के बंटवारे पर सहमति जताई थी, लेकिन अभी तक कुछ भी साफ नहीं। सवाल यही कि गठबंधन का प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा। बहरहाल कांग्रेस ने अपनी ओर से पीएम पद के लिए किसे प्रोजेक्ट करने का प्लान बनाया वो जान लीजिए। दरअसल कांग्रेस नेता शशि थरूर की ओर से दावा किया गया, अगर 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार बना सकती है। उन्होंने कहा कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को करारी शिकस्त दे सकता है। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस पार्टी से खड़गे प्रधानमंत्री की रेस में शामिल हो सकते हैं। सीडब्ल्यूसी के सदस्य ने आगे कहा कि अगर खड़गे के नाम पर सहमति बनती है तो वो भारत के पहले दलित प्रधानमंत्री होंगे।